फैमिली पार्टनरशिप नहीं होती। मियां साहब क्या वापसी कच्ची होगी अगर किसी नवाज शरीफ के हवाले से कोई ऐसी अल्लाह पाक उनको शफा दे तो क्या मरियम बीबी आपके साथ रवाना होगी पाकिस्तान या कोई पहले आगे पीछे जा सकता है? मरियम मुझसे भी ज़्यादा बेताब है जाने के लिए, मैं भी बेताब हूँ, मरियम भी बेताब है। मैंने मरियम को कहा था, मैंने कहा मरियम मैं जाता हूँ, आप कुछ दिनों के बाद आओ यहाँ, जो कैंपेन है उसका भी आप यहाँ से बैठ के कुछ चलाएं, लेकिन ये बजे थे कि नहीं मैं आपके साथ जाऊंगी। फैसला मुखर करने की इस्तदा की, आप समझते हैं कि ये भी उसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जो आपको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश कर रही है? मेरी मेरी किसी भी दरख्वास्त को आज तक मंजूर नहीं किया गया। मेरी आमतौर पर दरख्वास्त जो कोर्ट में मैंने दी हैं उनको रिजेक्ट ही किया जाता रहा है। कभी कभी ये सोच के दुख होता है कि बहुत सारे अक्सर केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरे केस में ऐसा क्यों होता रहा? अदालतों से आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, आप जो वर्कर्स हैं उनमें बेचैनी पाई जाती है, तो क्या अगर जब इंसाफ के दरवाजे बंद होंगे तो आप एजुकेशन के लिए या एहतजाज कोई अपील कर सकते हैं या रास्ता इख्तियार कर सकते हैं? जैसे जैसे वक्त आएगा तो फैसले किए जाएंगे, लेकिन आप ये भी तो देखें कि पाकिस्तान में कौन से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये जो एक दिन कहा जाता है कि आईएसआई ने मारा है, वही आईएसआई अगले दिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बन जाती है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लोगों की वफादारियां तब्दील करवा रहा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो लोगों। Subscribe to our channel Parky Links News. Also share and like the video.